तो देखो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो ये प्रिंसिपल क्या होता है, बड़ा ही स्पेसिफिक टाइप का प्रिंसिपल है ये। देखो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर बात करेंगे आखिर ये क्या कहता है। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोजिशन एंड द मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल cannot be accurately determined simultaneously. According to this principle, the position and momentum of a moving particle cannot be accurately determined simultaneously. If we try to calculate the accurate value of one quantity, then error will occur. The error will occur in the other, or vice versa. देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आपके पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस मूविंग पार्टिकल की पोजीशन दैट इज एक्स और इसका मोमेंटम दैट इज पी, आप इन दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास फैन होता है, फैन घूम रहा होता है, तो फैन की जो ब्लेड्स घूम रही है या तो आप एक टाइम पे उसकी पोजिशन बता पाओगे या फिर एक टाइम पे आप उसकी स्पीड बता पाओगे, आप एक ही टाइम पर दोनों की बिल्कुल करेक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये कहता है आपके पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी डिफाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम दैट इज साइमल्टेनियसली। अगर हम इनमें से किसी भी एक की, सपोज इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोजिशन देन एरर विल अकर इन मोमेंटम, इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोमेंटम द एरर विल अकर इन पोजिशन। And according to Heisenberg, the multiplication of errors in the momentum and position is always greater than and equal to h upon 4 pi. So Heisenberg principle क्या कहता है, simply कि error in the calculation of position multiplied by error in the calculation of momentum will always be greater than and equal to h upon 4 pi. So again हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, पी विल बी इक्वल टू एम बी। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा होगा क्योंकि मास क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, सो इट वुड बी एम डेल्टा बी। यू कैन प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, द इक्वेशन विल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। यहां पे जो टर्म्स है उनका नोटेशन क्या है आपके पास, डेल्टा एक्स इज एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी इज एरर इन मोमेंटम, एंड व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी इज एरर इन वेलोसिटी। सो वी कैन यूज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इन दिस मोड, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। अगर मोमेंटम में चेंज दिया है या मोमेंटम में एरर दिया है तो पोजिशन में एरर निकाल सकते हो, वेलोसिटी में दिया है तो भी आप पोजिशन में एरर निकाल सकते हो बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन। तो ये होता है आपके पास हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अगेन यहां पर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन एच क्रॉस अपॉन 2 पाई एच क्रॉस अपॉन 2 एम। ये जो एच क्रॉस होता है
दिस एच क्रॉस इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2π। ठीक है, ये भी सी का एक नोटेशन होता है, तो आपसे इस तरह से भी आप किसको लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी एच क्रॉस बाय 2। यहां पे एच क्रॉस का मतलब क्या होता है, एच अपॉन 2π। तो ये इसके नोटेशन होते हैं, तो आपको एच क्रॉस का मतलब भी पता होना चाहिए। बेसिकली हम इसे इस फॉर्म में यूज करेंगे, चिंता मत करो, तो कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखो इस पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वैसे तो इसके ऊपर डायरेक्टली पुट वैल्यू क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कुछ डेटा दिया होता है, वहां से आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी होती है और उन्हें प्लेस करना होता है। तो देखो हम इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि आखिर क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन इज राइट, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ 4×10⁶ मीटर्स पर सेकेंड, 4×10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ 4×10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। If its velocity is accurate up to 10%, then calculate uncertainty। इसे आप error को ही uncertainty भी बोलते हो, this is uncertainty और error in position, दोनों का मतलब same है। Then calculate the uncertainty in position of the electron. देखो पहले तो आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, वो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड एंड द स्पीड इज एक्यूरेट अप टू 10%। बताओ ये 10% है वो एरर है या इसकी सही वैल्यू है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होता है कि एक्यूरेट अप टू 10% मतलब ये इसकी एरर है या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसका 10% है। बोलो, देखो हमेशा याद रखना, ये जो आपको लैंग्वेज लिखी होती है एक्यूरेट अप टू, मतलब ये स्पीड 10% ऊपर नीचे हो सकती है, 10% ज्यादा भी हो सकती है और 10% कम भी। जो 10% है ये क्या है आपके पास, एरर। So error in velocity is equals to 10%, मतलब delta v की वैल्यू कितनी होगी, 10% of its velocity, that is 10/100 × 4×10⁵। तो delta v कितना होगा, 4×10⁴ meters per second। जहां कहीं भी accurate up to लिखा हुआ मिला है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या मिलता है आपको, मिलता है लिखा हुआ कि accurate up to 99%। तो आप सोचते हो अरे 99% तो एक्यूरेट है, एरर तो हो ही नहीं सकती, ये तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो इसमें एरर कितनी होगी, 1%। तो अपना दिमाग मत लगाना, जो दिया है जो सीखा है उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है। एरर 99% भी हो सकती है, अगर आपने गलत कैलकुलेट किया है तो एरर 99% आ सकती है। ये नहीं कि 99% दे दिया, अरे यार 99% तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो एरर 1% लूंगा। ठीक है, आपको एरर कितना लेना है, अगर एक्यूरेट अप टू 99% लिखा है इसका मतलब उसमें एरर भी कितनी दी हुई है, 99%। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू हो गई, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एक्स, बस कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। हम लेते हैं लिमिटिंग कंडीशन में, मतलब एटलीस्ट इतनी एरर तो आएगी, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, एच अपॉन 4π∆V×m। h की वैल्यू 6.62×10⁻¹⁴ अपॉन 4π∆V कितना हो गया, 4×10⁴ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10⁻¹ⁱ। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि इसकी पोजीशन में एरर कितनी होगी। तो इस तरह से आप पहले टाइप के क्वेश्चंस करते हो जहां पे आपको सिंपली वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके वैल्यूज पुट करनी होती है, बस आपको यहां पे लैंग्वेज अडॉप्ट करना आना चाहिए। कभी कभी आपको इस फॉर्म में ना लिखकर इस फॉर्म में लिखा होता है,
मान लो किसी की वेलोसिटी दी हुई है 5 ± 0.002 meters per second, तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये आपको इसकी एरर दी हुई है, मतलब इस वेलोसिटी में एरर कितनी है 0.002। तो देखो सेकेंड फॉर्म आपके पास ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कभी कभी आपको कि 5 ± 2%। ये 5 ± 2% का मतलब क्या है, यहां पे जो एरर है, मान लो ये वेलोसिटी है, तो यहां पर जो भी एरर है वो कितनी होगी, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 2% ऑफ दिस 5, दैट इज 2/100 × 5, दैट इज 0.1। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जहां से आप एरर्स कैलकुलेट कर सकते हो, आपको सिंपली एरर कैलकुलेट करना है और उनकी वैल्यूज डायरेक्टली प्लेस करनी है, समझ में आता है। तो ये होते हैं एक टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपको डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करनी होती है। फिर यहां पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इज द एरर इन पोजिशन एंड वेलोसिटी, द एरर इन द पोजिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आर इक्वल, द एरर इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आर इक्वल, देन कैलकुलेट द एरर इन इट्स मोमेंटम, देन कैलकुलेट द एरर इन इट्स मोमेंटम। तो देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों में जो एरर है वो क्या है, सेम। अगर हम इनके ऊपर हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल अप्लाई करें तो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4πm होगा। तो क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो मैं डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी। इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा वी स्क्वायर इन लिमिटिंग कंडीशंस शुड बी इक्वल टू एच अपॉन 4πm, दैट मींस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई, रूट ओवर एच अपॉन 4πm होगी। तो ये तो आ गई एरर इन वेलोसिटी। मुझे क्या करना है, एरर इन मोमेंटम कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, वैल्यू रख दो एम, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई एच अपॉन 4πm, सो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 1/2 × √mh/π। 4 का रूट निकालोगे 1/2 बन गया, m से इसका रूट कैंसिल करोगे तो रूट इस पे आ जाएगा, इट विल बी mh/π। सो दिस विल बी द एरर इन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां पे आपको एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम या एरर इन वेलोसिटी में रिलेशन दिया जाता है और किसी दूसरी क्वांटिटी में रिलेशन आपसे पूछा जाता है। यहां पे तीसरा एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास। लिखो क्वेश्चन, लिखो द परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी, द परसेंटेज एरर और नॉट वेलोसिटी, हम और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। लिखो द परसेंटेज एरर इन पोजिशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू एच अपॉन 8πm, इज इक्वल टू एच अपॉन 8πm, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो आपको पार्टिकल की पोजीशन में एरर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन पोजीशन, विच इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स,
पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। चलो आप इसे परसेंटेज अरे इन वेलोसिटी ही लो, हमने जो पोजीशन लिखा है उसको करेक्ट करके वेलोसिटी कर लो, आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। कि परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज डेल्टा वी अपॉन, आप ऐसा करो क्वेश्चन वापस से लिखो पूरा, लिखो द परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी, द परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, द परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज से 10%, इज 10%, देन कैलकुलेट द एरर इन इट्स, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो आपको एक पार्टिकल है विच इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी वी, और उसकी वेलोसिटी में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, सो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 10%, इट विल बी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंट एरर इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो हमें लैम्डा और वी में एक रिलेशन पता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल लैम्डा शुड बी इक्वल टू एच अपॉन वी, लिख सकता हूं, मुझे इनके इनके बीच में रिलेशन पता है लेकिन इनके एरर्स के बीच में रिलेशन पता नहीं है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो क्वांटिटीज की एरर्स के बीच में रिलेशन पूछा है, तो आप सिंपली इस इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वी, तो इक्वेशन क्या बनेगा, डी लैम्डा अपॉन डी वी, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस एच अपॉन एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे ये कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, वन अपॉन वी का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, इस डी वी को इधर भेज दो तो डी लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू डी वी, मैं इस एम वी स्क्वायर को वी इंटू वी लिख के डी वी अपॉन वी लिख सकता हूं, ठीक है। नेगेटिव साइन के लिए आप मैग्नीट्यूड ले लो, हमें नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर लैम्डा चेंज होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा, वेलोसिटी कम होगी तो लैम्डा बढ़ेगा, ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना सा बता रहा है। डी लैम्डा को मैं डेल्टा लैम्डा लिख सकता हूं, दिस डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम बी, क्या होता है लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल, दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी होगा, इस लैम्डा को इधर ले जाओ, सो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा शुड बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी, बोलो होगा, मुझे क्या निकालनी है परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ, तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगी परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ विच विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, दैट इज अगेन 10%, यानी किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन में सॉरी वेलोसिटी में परसेंटेज एरर और वेवलेंथ में परसेंटेज एरर क्या होती है सी। अगर आपके पास कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी में जितनी परसेंटेज एरर होगी उतनी ही परसेंटेज एरर किसमें होगी उसकी वेवलेंथ, ये समझ में आता है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके ऊपर मिलते हैं कभी कभी डी ब्रोगली प्रिंसिपल के ऊपर, जहां पे आपको दो क्वांटिटीज की एरर्स को कोरिलेट करना पड़ता है, जैसे हमने यहां पे किया, क्लियर। इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो द परसेंटेज एरर द परसेंटेज एरर इन द पोजिशन ऑफ, या आप सिंपली लिखो एरर, द एरर इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ बोर ऑर्बिट, इन अ बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू से एक्स, इज इक्वल टू एक्स, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट द एरर इन कैलकुलेटिंग, देन कैलकुलेट द एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन कैलकुलेट द एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक गोल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजिशन में जो एरर है वो कितना है एक्स। आपको बताना है इसकी वेवलेंथ में एरर, ठीक है। तो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ, सॉरी डी ब्रोगली प्रिंसिपल और बोस मॉडल को एसोसिएट किया हुआ है। 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, यहां पे r क्या बता रहा है इस ऑर्बिट की रेडियस, जो क्या बताएगी इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, भाई r ही तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है यहां पे। तो आपको लैम्डा और r इन दोनों की एरर्स में रिलेशन निकालना है। तो सिंपली क्या करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल्स टू 2π अपॉन n इनटू r। तो अगर मैं d लैम्डा अपॉन dr निकालूं तो d लैम्डा अपॉन dr कितना हो जाएगा 2π अपॉन n। तो d लैम्डा कितना हो जाएगा, d लैम्डा विल बी इक्वल टू 2π अपॉन n इनटू dr। दैट मींस डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू 2π अपॉन n इनटू डेल्टा r, और डेल्टा r कितना दिया हुआ है आपको x, तो डेल्टा लैम्डा कितना हो गया 2πx अपॉन n। यहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ शेल। अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल भी स्पेसिफाइड है, मान लो मैं कहता फोर्थ शेल, तो आप यहां पे n की वैल्यू कितनी प्लेस करते 4, जैसे n की वैल्यू 4 प्लेस करते डेल्टा लैम्डा कितना हो जाता πx अपॉन। इस तरह से आप इनकी एरर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी आपको एक क्वांटिटी की एरर दी हो और दूसरे की पूछी हो तो आप डिफरेंशिएट करके इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये होता है आपके पास डी ब्रोगली प्रिंसिपल और ये होते हैं इसके एप्लीकेशंस। इस टाइप के क्वेश्चन के साथ आपको डील करना पड़ सकता है, ये समझ में आता है। चलो तो यहां पर हमारा डी ब्रोगली प्रिंसिपल खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं अपने, विच इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत ही आसान होता है और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलो सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। आप लोग लिखो, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल्स, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम देयर सर्फेस। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ देयर सर्फेस। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव, when these electrons move in a circuit, when these electrons move in a circuit, current starts flowing in the circuit, when these electrons move in the circuit, current starts flowing in the circuit, this current
दिस करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट and the effect is called photoelectric effect and these type of metals are called photosensitive metals. देखो आपके पास क्या होता है, सपोज ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट आके गिरती है, तो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल्स होती हैं जिनके ऊपर अगर लाइट अगर गिरती है तो इनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मूव करते हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है आपके पास क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो यहां पे जो करंट फ्लो होता है, इस करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना आप लोग, जब भी किसी फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर लाइट आकर गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के अगर मूव करते हैं तो इस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ये जो करंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ऐसी मेटल्स जो लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो सेंसिटिव मेटल्स। सो दिस इज सिंपली व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, कि जब भी एक मेटल के ऊपर लाइट आकर गिरेगी उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होगा जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, इनमें सबसे पहला टर्म आता है आपके पास वर्क फंक्शन। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे वर्क फंक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से। व्हाट इज वर्क फंक्शन, लिखो, इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल, आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल। एक मेटल की सर्फेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम जो आपको एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, उस मेटल का वर्क फंक्शन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई। अगर आपके पास इतनी एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलेगा, अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई है तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता है। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल, दैट मीन्स हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की अपनी एक वैल्यू होती है, अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल, दो अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यूज भी क्या होंगी, अलग अलग। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल। इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम न्यू नॉट से डिनोट करेंगे। देखो ये क्या होती है, देखो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो मेटल के ऊपर लाइट अगर गिर रही है और ये लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है तो कोई तो मिनिमम वैल्यू होगी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी की जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कोई भी लाइट आगे गिर गई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो वो जो टाइप ऑफ लाइट है वो किससे डिफाइन करते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लिखो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच
इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट या इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इजेक्ट आउट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए. अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो आप सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते. सो वो मिनिमम एनर्जी जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा लेकिन जिसके इलेक्ट्रॉन नीचे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता उसे हम क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद वर्क फंक्शन और इन दोनों के बीच बड़ा सिंपल सॉल्यूशन होता है दैट फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. जहां पे फाई है वर्क फंक्शन और न्यू नॉट क्या है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये दो टर्म्स का हमें मतलब पता होना चाहिए. समझ में आता है. चलो अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे है और इसके लिए हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं. नेक्स्ट आप लोग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हो. ये आपकी इंसिडेंट लाइट है. ये कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आएगी जिसे हम कहते हैं ई आई दैट इज ई इंसिडेंट. ये लाइट जब इससे आगे टकराएगी तो जो भी इंसिडेंट एनर्जी है वो दो पार्ट्स में यूज आएगी. एक पार्ट तो काम में आएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में होगा और दूसरा पार्ट कहां काम में आएगा इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में. अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल के रह गया वो मूव नहीं करेगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा. दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलने के साथ साथ उसका मूव करना भी जरूरी है. तो जो भी आपके पास इंसिडेंट लाइट होगी वो दो पार्ट्स में काम में आएगी. एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और दूसरा उसे मूव करवाने में. तो इसी बेसिस पर हम हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे. आप लोग लिखो लिखो द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट. द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बींग यूज अप. द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बींग यूज अप इन टू पार्ट्स. द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बींग यूज अप इन टू पार्ट्स. लिखो फर्स्ट पार्ट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल. टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल. सेकेंड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी. टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन. टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन. तो देखो जो भी इंसिडेंट एनर्जी है उस इंसिडेंट एनर्जी को आपने दो पार्ट्स में यूज किया है. एक एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, दूसरा एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन. मानते हो जो भी लाइट आई कर रही है उसे इस तरह दो पार्ट में यूज कर रहे हैं. तो इंसिडेंट एनर्जी को मैं बोलता हूं ई आई. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है उसका वर्क फंक्शन और उसको मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है काइनेटिक एनर्जी. तो ये बनता है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ई इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू फाइव प्लस के. मुझे सिर्फ ये फॉर्म याद रखना है. इसके बाकी सारे फॉर्म मैं इसे डराइव कर लूंगा. सिंपली ई इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू फाइव प्लस के वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइव इज द वर्क फंक्शन एंड ई आई इज द इंसिडेंट एनर्जी. अगर सपोज इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू तो मैं ई आई को कितना लिख सकता हूं एच न्यू. और अभी हमने फाई और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखा था दैट फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर.
तो ये आपके पास इसका दूसरा फॉर्म बनता है इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास बेसिक दो फॉर्म्स बने, ई इंसिडेंट इज इक्वल टू 5 प्लस के ई एंड एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आता है? तो ये होता है आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ ये वाली फॉर्म याद रखो, इसके अलावा बाकी सारी फॉर्म्स हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। समझ में आता है? चलो नेक्स्ट आप लोग हैंड डालो, कंडीशंस फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडीशंस फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, कंडीशंस फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। देखो हम पहला केस लेते हैं, पहला केस है ई इंसिडेंट इज लेस देन 5 और न्यू इज लेस देन न्यू। जो भी यहां आपके पास लाइट आके गिर रही है उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो क्या मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? भाई मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? 5। अगर आपके इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 5 से कम है तो क्या मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। तो हम ये लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, हेंस नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कैसे हो? समझ में आता है? देन सेकेंड, इफ ई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 5 और न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो क्या इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा? हां निकलेगा, लेकिन वो निकलने के बाद मूव नहीं करेगा, वो निकल कर क्या हो जाएगा? वहीं पे रुक जाएगा। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूव करना जरूरी है। दैट मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड आउट बट इट विल नॉट मूव, और अगर ये मूव नहीं करेगा देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। समझ में आता है? तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाता है तब भी जरूरी नहीं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन का मूव करना जरूरी है। देन केस थर्ड, इफ ई आई इज ग्रेटर देन 5 और न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अब जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो 5 से क्या है? ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और मूव भी करेगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट एंड विल मूव, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। तो मेटल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास एक ही कंडीशन है, दैट इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 5 से ज्यादा हो या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो? ज्यादा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो बाकी दोनों कंडीशंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता है। इसके ऊपर बेस्ड आईटीजेई में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मतलब वैल्यूज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हम लोग उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो आप लोग, पहले कॉपी करो और फिर क्वेश्चन लिखो। तो देखो आपको याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? हमेशा ज्यादा। अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम हुई तो आपका मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। व्हाट नंबर ऑफ मेटल्स विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट नंबर ऑफ मेटल्स विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ
3000 एंगस्ट्रॉम, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन फॉलोइंग मेटल्स. आपको इनके वर्क फंक्शंस दिए हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 4.13, दिस इज 3.5, दिस इज 2.9, दिस इज 4.02, 4.8, 5. आपको बताना है इनमें से कितने नंबर ऑफ मेटल्स विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर इनके ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है 3000 एंगस्ट्रॉम. तो देखो हम कैलकुलेट करते हैं. आपके पास इंसिडेंट एनर्जी कितनी है ई आई विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. एच सी कितना होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा. लेमडा कितना होगा 3000 एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 20 से 20 हो गए, ये वैल्यू कितनी आएगी 4.13 इलेक्ट्रॉन आएगी. ठीक है चलो. तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ई आई शुड बी ग्रेटर देन 5. तो जिन जिन मेटल्स के लिए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 4.13 से ज्यादा, सॉरी 5 की वैल्यू 4.13 से कम होगी वो मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी, बाकी मेटल्स शो नहीं करेंगी. देखो इसके लिए 5 कितना है 4. इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है 4.13. इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा है यानी ये मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी. इंसिडेंट लाइट की एनर्जी और वर्क फंक्शन क्या है सेम, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी. यहां पे भी वर्क फंक्शन क्या है कम है शो करेगी, ये भी शो करेगी, ये भी शो करेगी, लेकिन ये दोनों शो नहीं करेगी क्योंकि यहां पे वर्क फंक्शन इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से क्या है ज्यादा. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पास जो भी इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी. तो ये होते हैं एक टाइप के क्वेश्चन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बनते हैं. दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनमें हम डील कर सकते हैं वो बेस्ड होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखो, देखो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted in a photoelectric effect, the ratio of kinetic energies of photoelectrons emitted in a photoelectric effect by using frequencies nu1 and nu2 is 1 by n. Then calculate the work function of metal. Calculate the work function of metal in terms of nu1, nu2 and n. And calculate the work function of metal in terms of nu1, nu2 and n. देखो आपसे कह रहा है कि जब आपने एक मेटल पर, मेटल सेम है, एक लाइट गिराई nu1 फ्रीक्वेंसी की और एक लाइट गिराई nu2 फ्रीक्वेंसी की, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी से ke1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी से ke2.
इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, के ई वन अपॉन के ई टू शुड बी इक्वल टू वन बाय एन। ठीक है, देखो मेटल सेम है तो दोनों का वर्क फंक्शन भी क्या होगा सेम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि ई इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू फाइव प्लस के। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू वन तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, एच न्यू वन शुड बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई वन लिख सकता हूं। सिमिलरली दूसरे केस के लिए एच न्यू टू शुड बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई टू। क्या मैं यहां से के ई वन और के ई टू की वैल्यूज निकाल सकता हूं, के ई वन कितना होगा एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट, सो के ई वन विल बी इक्वल टू एच कॉमन न्यू वन माइनस न्यू नॉट। सिमिलरली के ई टू दिस विल बी इक्वल टू एच कॉमन न्यू टू माइनस न्यू नॉट होगा। तो यहां पे मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, तो के ई वन अपॉन के ई टू विल बी इक्वल टू एच से एच कैंसिल, न्यू वन माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू टू माइनस न्यू नॉट शुड बी इक्वल टू वन बाय एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एन इंटू न्यू वन माइनस एन इंटू न्यू नॉट शुड बी इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू नॉट होगा। तो इस न्यू नॉट को इधर ले लो और एन न्यू वन को उधर भेज दो, तो आपके पास अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से न्यू नॉट कॉमन वन माइनस एन एंड दिस शुड बी इक्वल टू न्यू टू माइनस एन न्यू वन। तो अगर हम फाइनली न्यू नॉट की वैल्यू लिखे तो न्यू नॉट कितना हो जाएगा आपका, न्यू टू माइनस एन न्यू वन अपॉन वन माइनस, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यू वन न्यू टू एंड एन। समझ में आता है? तो ये सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है जिसको आपको यूज करना होता है। ये इनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी होती है, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस करेंगे और एक टर्म और पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज योर क्वांटम नंबर्स।